सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट थैंक यू अटेम्प्ट मैम। में निवोश निकल गया, वाइल्ड वर्किंग, छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं सो आज एक छोटा सा हम मैसेज देना चाहते हैं जो भी अपकमिंग लर्नर्स है, जो निवोस करना चाह रहे हैं, जो निवोस एस्पायरेंट हैं, जो समझते हैं कि निवोस बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, उसके लिए एन केन प्रकार जुगाड़ में भी रहते हैं, बट क्या ये सब चीजें नेसेसरी हैं और आप लोगों ने कैसे क्लियर किया, इसके बारे में एक छोटा सा 5 मिनट का मैं एक आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगी। तो जस्ट सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, जिसे आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, कहाँ काम कर रहे हैं। हाँ जी, ओके माय नेम इज ऋत्विक चौधरी। आई एम फ्रॉम गांधीनगर गुजरात। बैचलर इन फायर एंड सेफ्टी एंड मास्टर इन एनवायरमेंटल साइंस। नाउ आई एम वर्किंग एज ए ईएचएस डिपार्टमेंट इन गांधीनगर। आई हैव टोटल 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, वेरी गुड। सो आफ्टर 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, व्हाई यू सिलेक्टेड द निबोस कोर्स? मैम निबोश मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि निबोश करने से मतलब दूसरी अपॉर्चुनिटी जो एक स्कोप होता है ना जॉब का वो बढ़ जाता है। गल्फ कंट्रीज और ऑयल जो सबसे मतलब हजारियस प्रोसेस में से एक है जिसमें हम सबसे ज्यादा सेफ्टी का नॉलेज गेन कर सकते वो डिपार्टमेंट मतलब ऑयल एंड गैस। उसके लिए ओके, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट निबोश। जब भी मैंने 2-3 इंटरव्यू दिए उसमें मैं अपनी क्वालिफिकेशन निबोश नहीं था मेरे पास इसलिए वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास से चली गई। इसलिए मैंने फिर सोचा कि निबोश कर लेंगे और अब नई आएगी अपॉर्चुनिटी उसको कैच करके आगे अब अपना फ्यूचर ब्राइट करेंगे। नहीं, डेफिनेटली निबोस की काफी करियर सेफ्टी प्रोफेशनल्स लोगों के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास निबोस नहीं है और जॉब्स आए हुए हैं और हम मिस कर जाते हैं, तो क्यों नहीं हम पहले से इसको करके रखें। सो एक हाँ मार्केट वही में, हाँ सो मार्केट में एक र्यूमर्स है कि निबोस बहुत हार्ड कोर्स है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, रियली में इतना हार्ड है? नहीं मैम इसमें कोई हार्ड नहीं है। सिर्फ आपका फोकस है जो हम सेफ्टी का बेसिक है ज्यादा कुछ नहीं। आपका मतलब लर्निंग टाइम में आपको जो क्लासेस चल रही है उसमें फोकस करना है। कुछ डाउट है जो वो क्लियर करने हैं। एकदम इजी कोर्स है जो दूसरे बोलते हैं कि ये ऐसा है वैसा है कुछ भी नहीं है। नॉर्मल है बस आपको सिर्फ फोकस क्लासेस में करना है और जो आपका बेसिक का क्लियर है वो डाउट है ना जो वो क्लियर होगा तो आपके लिए इजी कोर्स है ये। फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग जरूरी है क्या, कि मुझे काफी एक IELTS लेवल चाहिए, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए? नो मैम नो नो ओके, नॉर्मल एक जो हिंदी स्पीकिंग बंदा है, इंग्लिश लिखना पढ़ना आता है, क्वालिफाइड है? मैं अपनी ही बात करूं मेरे को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती। मैं थोड़ा बहुत ही बोल सकता हूँ यार मैं टाइप कर सकता हूँ। मेरे को बोलने में तकलीफ होती है। मैं ज्यादातर इंग्लिश में फ्लक्चुएट नहीं कर पाता हूँ। तो ओके, मैंने भी अपने फर्स्ट ट्रायल में क्रैक किया है ना निबोश। नहीं है इजी है सब। इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन आपने कैसे किया, 3 years में, मतलब किस तरह से आपने इंस्टीट्यूट को सर्च किया, क्योंकि मुझे जहां तक पता है हमारी साइड से कांटेक्ट नहीं हुआ था, आपकी साइड से कुछ कांटेक्ट हुआ हाँ था, किस हाँ तरह से? मैंने ही कांटेक्ट आपकी इंस्टीट्यूट को किया था। मैंने सबसे पहले तो गूगल में सर्च किया था कि कौन सा बेस्ट है। बहुत सारे आए गूगल रिव्यू भी लिए। उसमें मैंने सबसे पहला था सूरज जैकब सर और एरन सर का सबसे बढ़िया नाम गूगल निबुश के रिगार्डिंग में सबसे टॉप में नाम है उनका। फिर उसमें थोड़ा बहुत सर्च किया तो 3S इंस्टीट्यूट का नाम आया। फिर अब मेरी बात आपसे हुई फिर आपने थोड़ा बहुत आगे गाइड किया। मेरे को भी पहले था कि क्रैक कर पाऊंगा नहीं कर पा पर आपने जैसे गाइडेंस दिया एक रास्ता दिखाया कि ऐसे जाओगे ये सब। ये इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा सपोर्ट है और हेल्पफुल है आपका इंस्टीट्यूट। इसलिए मैं आपको और आपकी टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हमें जो भी जब भी प्रॉब्लम आई तब आप हमारे साथ थी। ओके, और जस्ट ये कहना चाह रही थी कि जैसे आपने इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया, तो कहीं आप जैसे जॉब कर रहे हैं, तो आई थिंक जॉब 8 घंटे या 12 घंटे की आपकी भी जॉब होगी, तो क्या हाँ जॉब छोड़ना जरूरी है निवोस के लिए, कि 1 महीने हम जॉब छोड़ के घर पर तैयारी करेंगे तो ही क्लियर होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने भी जॉब के साथ ही किया है क्लियर और जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। टाइम भी आपको बहुत ही अच्छे क्लासेस के लिए दिए जा रहे हैं। आपको जो टाइम प्रिफरेबल हो उसमें आप अपना टाइम बता ज्वाइन कर सकते हो। कितने घंटे प्रिपरेशन किया आपने?
पर डे, और किस टाइमिंग पे ज्यादा प्रिपरेशंस किया आपने? मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया, मैंने सिर्फ क्लासेस में सूरज सर जितना पढ़ाते थे मैंने उस पे फोकस किया। हाँ, एग्जाम के टाइम, एग्जाम जब डिक्लेयर हुआ कि 9 अगस्त को है, फिर मैंने एक आध घंटा, मैं जॉब के टाइम पे निकाल के एक आध घंटा पढ़ता, जो जो सूरज सर पढ़ाते क्लास में वही मैंने रिविजन किया है, और जो मटेरियल मिला था उसको एक बार रिव्यू किया है बस, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, सूरज सर डीपली पढ़ा दे उसमें फोकस किया होगा तो आपको मतलब जो हार्ड नहीं लगेगा। तो 3S का मटेरियल आपको कैसा लगा? हमारी जो बुक्स थी, हमारे जो DLP प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं, वो सब आपको कैसा लगा? वो तो मतलब एकदम बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल, जो एग्जाम के टाइम पे बोल सकते हैं रेफरेंस बुक, वो सबसे बढ़िया थी, जो एग्जाम के टाइम पे हमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल उसी में से हुआ है। और तो सारी डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म की एक सबसे बढ़िया बात है कि पुराने मतलब जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम रिव्यू, जो उसी के और हर जो टॉपिक के वाइज उसको रिवीजन मिलता है, और वही हमने सबसे ज्यादा, मैंने तो वही वो पेपर ही सॉल्व किए थे, तो उससे मेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिट वही हुआ है, कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स आए हैं। मेहनत में ज्यादा मार्क्स है, क्योंकि मैक्सिमम प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसकी सजेस्टेड आंसर शीट जो होती है इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई हुई रहती है टीचर द्वारा, वो सब आपको मिल जाते हैं, और मैक्सिमम आई थिंक 90% क्वेश्चंस वहीं से आते हैं जो सिनेरियो आपका हाँ चेंज रहता है। तो अगर आपने वो DLP को अच्छे से पढ़ा हो, जो हमारी सेपरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म होती है, तो नॉर्मली एग्जाम्स गो थ्रू करने में कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती है। यस यस और हमारा एक और क्वेश्चन कि एक अपकमिंग लर्नर्स जो निगोस एस्पायरेंट हैं, जो करना चाहते हैं निगोस, खासकर हिंदी बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए कैसे प्रिपरेशंस करना चाहिए? फर्स्ट डे से एक जो 30 डेज का प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, तो क्या करना चाहिए और कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कुछ स्टेप्स आप बता सकते हैं? मैम, जो हिंदी वाले बंदे हैं जो अब निबोस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सबसे पहले तो जो क्लास चल रहे उसमें फोकस करे, उसकी खुद की नोट्स बनाए, और जो टीचर्स भी है वो भी आपको हिंदी में कन्वर्सेशन करके बोलते हैं, तो वो तो सबसे बढ़िया एक फायदा हो गया। और जो मतलब आपको बोलना नहीं कम आता है तो आपको उसमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि लिख के रखिए, नोट्स बनाइए जो आपके डाउट्स है वो लिख के, और फिर उसको क्लासेस के टाइम पे डिस्कस कीजिए, जो जैसे बोल रहे थोड़ा बहुत नोट में लिख लीजिए तो वो आपको इजी रहेगा। मीन्स कि डॉट्स को कलेक्ट करिए और उसको डिस्कस कीजिए, डॉट्स को मन में मत रखिए, और हिंदी हाँ में वही डिस्कस वही करने तो हिंदी में डिस्कस कीजिए, क्योंकि ट्यूटर हिंदी में पढ़ा रहे हैं आपको, आप उसको हाँ एक हाँ कंफ्यूजन में मैं कैसे, और आई थिंक इंग्लिश में काफी इंप्रूव हो जाती है लोगों की जो शुरू में बहुत बड़े, नहीं पढ़ी मेरी मेरी हुई है सूरज सर के साथ बातें करने में, पहले हाँ जो डाउट है वो क्लियर, मन में कुछ शर्म वरम नहीं रखनी है, वो आपको पढ़ाने के लिए ही आया तो आप उनको पूछिए तभी होगा, और वही वैसे वैसे ही 1 महीने में वही लेवल आ गया कि हम क्लियर कर देंगे। हाँ और उसके बाद क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है स्पीकिंग करने में भी, क्योंकि हम 1 महीने 3 घंटे अगर किसी ट्यूटर के साथ बैठे हुए हैं, पूरी एक टीम है, और उस टीम में जब हम डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश में डिस्कशन हो रही है, हिंदी में डिस्कशन हो रही है, तो बंदा खुद ही खुद इंग्लिश में बात भी करने लगता है, करेक्ट ना? या और जस्ट एक और क्वेश्चन कि पेपर्स जब हमारे पास आती है और जब हम लिखने बैठते हैं, तो क्या चीजें हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए पेपर लिखते समय, ताकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर जाएं? क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए आपके हिसाब से, कुछ पास दस पॉइंट्स? गलत पेपर आता है तो उसको पहले, जैसे सुभाष सर बोलते हैं कि स्ट्रेस फ्री हो जाओ एग्जाम से पहले, और फोकस आराम से करो, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस फ्री पेपर होना है। पहले आराम से पढ़ लेना है कि क्या कहना चाहता है, उसका हर क्वेश्चन का पोलारिटी क्या है, आराम से पढ़िए, समझ लीजिए पोलारिटी क्या है, वो क्वेश्चन क्या मांग रहा है आंसर, वो समझ लीजिए, और फिर आपने जो नोट्स बनाए हैं उस पे जाके मैच कर लीजिए और उसके रिगार्डिंग आंसर लिख लीजिए, तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए फर्स्ट टाइम में ही पास करना। सिनेरियोस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं, दैट मींस कि एक स्टोरीज रहती है जो कि कभी भी रिपीट नहीं होती है, बट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, करेक्ट? हाँ यस तो सर
सिनेरियो से जब हम पॉइंट्स को लिंक करते हैं तो ये टेक्निकल पॉइंट्स हम कहाँ से लाते हैं, और इसको लिंकिंग जब हम करते हैं, एक्सप्लेनेशंस करते हैं, तो वो कैसे करनी चाहिए? क्योंकि आप पास आउट स्टूडेंट्स हैं, तो आप जो बोलते हैं वो लोग ज्यादा समझ पाते हैं कि हाँ, एक पास आउट स्टूडेंट से हम सुन रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ सही बात होगी। हाँ ये जो आपने बोला कि जो पॉइंट है वो सीनारी, वो टेक्निक भी हमें क्लासेस में ही दी जाती है कि कैसे पॉइंट कलेक्ट करना है, कौन सा पॉइंट कलेक्ट करना है, वो सब क्लासेस में सबसे पहले फोकस करना है कि सर क्या बोल रहे हैं और क्या कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन के रिगार्डिंग कौन सा कितना मटेरियल आपको चूज करना है, और जो क्लासेस के टाइम पे जो सर डिस्क्राइब कर रहे हैं मतलब बुलेट पॉइंट भी वो दे देते हैं कि ये है तो इसका ये टॉपिक का ये बुलेट पॉइंट है, तो उसको सबसे पहले आप अपनी नोट में लिख दीजिए, जब भी आप एग्जाम के टाइम है वो उसको ही रिफर कर दिए तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, और वो जो बुलेट पॉइंट है आप एक बार पढ़ोगे एग्जाम से पहले तो आपको क्वेश्चन का पोलैरिटी समझ में आ गया, तो वो इजी रहेगा कि क्या और कितना लिखना है। मीन्स अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी हमको जाना है। बुलेट पॉइंट कलेक्शन जरूर होनी चाहिए। जो भी नोट्स दिया गया है उसके हर पॉइंट्स, हर क्वेश्चंस के जो भी पार्ट्स है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शंस है तो उसके पार्ट्स को हम लिख लें। मोरल है, मोरल बेनिफिट्स है उनको लिख लें। फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल के पॉइंट्स लिख लें। मतलब सारा कुछ आपके पास एक डाटा शीट तैयार होना चाहिए, और हाँ एग्जाम में सिनेरियो जैसा आता है उस हिसाब से हमको पॉइंट्स और सिनेरियो का कनेक्शंस मिलना चाहिए। मेन हाँ चीज भाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस। करेक्ट, यस ओके। सो एक लास्ट क्वेश्चंस, 3S क्यों सिलेक्ट करें निगोशिएट? थ्री एस सबसे पहले इसलिए सिलेक्ट करना चाहिए कि वो स्टाफ पूरा आपको सपोर्टिव स्टाफ है, जब जी भी चाहिए जितने बजे भी कॉल करो तो आंसर मिलता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कल है बार, ऐसा नहीं, एट द टाइम आंसर मिल जाता है, जो भी कंडीशन है आप उनको फ्रेंडली बोल सकते हो कि ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरे को ये इस बार इस चीज में तकलीफ है ये है, तो वो टोटली सॉल्व हो जाती है, इसलिए 3S सबसे पहले। मैंने भी आपसे बात किया, मैं भी गुजरात से था, मैं ना बेंगलुरु में किसी इंस्टीट्यूट को जानता था, मैंने गूगल से रेफरेंस लिया था, पर अब मैं बोल सकता हूँ कि किसी और इंस्टीट्यूट के बदले 3S में ही जाना चाहिए। दूसरा एक, ये मेरे एक कंसर्न, IG2 रिपोर्ट। जब आप IG2 रिपोर्ट बनाते हैं तो 3S का जो भी प्रोसेस है कि पहले आपकी क्लासेस होती हैं, पूरे महीने आपके पास टाइम रहता है कि आप रिपोर्ट बनाएं, कोई भी डाउट से आप ट्यूटर से क्लास के समय डिस्कस करें। फिर हमारे यहाँ सुभाष सर डायरेक्टली आके फिर से फीडबैक क्लासेस लेते हैं, जो कि काफी मतलब 2 दिन तक कंटिन्यूअस चलती है। जो आपकी बनाई हुई रिपोर्ट होती है आप वहाँ पे उस फीडबैक क्लासेस के ऊपर, जो भी आपके क्लासेस होते हैं उसके ऊपर आप रिपोर्ट की करेक्शन करके सबमिट करते हैं। तो IG2 रिपोर्ट बनाना क्या इतना डिफिकल्ट है? हमारे तो जैसे 100%, 90% ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं देखती हूँ नॉर्मली मेरे को लोग फोन करते हैं, मैं 2 बार फेल कर गया, 3 बार फेल कर गया। तो क्या ध्यान में रखनी चाहिए बातें? क्या ऐसे ही में डिफिकल्ट है? नहीं नहीं मैम कुछ डिफिकल्ट नहीं है, IG2 रिपोर्ट सबसे आसान है, हाँ पर उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं, कौन से पॉइंट है, जो बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनो समझो और फिर अपना रिपोर्ट बनाओ, और फिर एक बार रिव्यू होगा तो सर किस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करने को बोल रहे हैं, कौन सा पॉइंट आपसे छूट रहा है वो डिस्कस कर लो और उसके रिगार्डिंग आप रिपोर्ट बनाओ, तो आप फर्स्ट ट्राई में ही पास हो जाओगे। हाँ, यही चीज है कि किसी भी चीज को अगर हार्ड समझते हैं तो वो चीज नहीं होता है। अगर हम किसी हाँ चीज को सोचते हैं कि हम इजी हैं, हम वेल क्वालिफाइड है, ये क्या है, ये 4 एलिमेंट है, दूसरी सेफ्टी मैनेजमेंट्स के ऊपर है, और कहीं ना कहीं मेरे में कोई ऐसी कमी नहीं कि मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, ओके, फ्लुएंसी नहीं है कोई बात नहीं, मैं HSC में काम कर रहा हूँ, मुझे सेफ्टी का बेसिक्स नॉलेज भी है, ग्रेजुएट हूँ, तो ये इतना कोई भी ऐसी चीजें नहीं डिफिकल्ट। रात को 2 घंटा देना है, 3 घंटा देना है, आराम से मैं तैयारी करूँ, कोई भी डाउट से इंस्टीट्यूट से पूछूँ, बिना हेजिटेशंस के पूछूँ, इंस्टीट्यूट वाले सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, उनकी ड्यूटी होती है क्लियर करना। और कहीं ना कहीं अगर आप हर चीजों को फॉलो करते हैं, 1 महीने थोड़ा अच्छे से टाइम देते हैं, मॉक असाइनमेंट करवाते हैं, मॉक असाइनमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मॉक असाइनमेंट सबसे बढ़िया टिप्स है, मैंने आज मैंने
एक भी क्लास मॉक की नहीं छोड़ी, जो ग्रुप डिस्कशन होता है, मॉक क्लास होती है, जब हमारा डाउट दूसरों से बढ़ता है ना, तो पता चलता है हम क्या सोच रहे हैं और एग्जैक्टली क्या सोचना चाहिए, वो अंदाज ग्रुप क्लास और मॉक टेस्ट से ही आती है। और गोल सेटिंग में आपने कितना सेट किया था? जो गोल सेटिंग राउंड हुई थी सुभाष सर की, मैंने आए मैंने 65 का सेट किया था, कितने? मेरे को 58 आ गए। हाँ 100 का सेटिंग करते तो 70 स्कोर करते। ओके सर आ जाते, पर okay. उस टाइम पे मेरे वर्क में भी थोड़ा ऑडिट और वो सब चल रहा था, इस वजह से टाइम का थोड़ा बहुत था दिक्कत, इसलिए, वरना तो मैं 100 का ही सेटिंग करके 70 अप लाने का पूरा ट्राई करता। ठीक है, मेरा ही एक सजेशन रहता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये देखती हूँ कि अगर 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, 45 इज अ पासिंग मार्क्स, तो निबोश इज नॉट गोइंग टू गिव यू 10 out of 10 marks until unless it is a extraordinary paper, ओके? वो 10 में ज्यादा 5 देंगे, 6 देंगे, 4 देंगे, यही मार्क्स देंगे। तो सपोज 10 मार्क्स का आपको 10 क्वेश्चंस लिखना है 100 मार्क्स का, तो अगर आप ये सोच के पेपर लिख रहे हैं कि मैं 100 out of 100 लिख रहा हूँ, तो आप पास कर रहे हैं। अगर हाँ आप 100 में सोचते कि मैं 45 है, मैं 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा या 60 का सॉल्व करूंगा, तो आप कभी भी नहीं पास कर रहे हैं, करेक्ट ना? तो यस यस वहां पे है ना, हमें ये ध्यान में रखना है कि एक क्वेश्चन पे अगर मान लो मिनिमम ही मार्किंग करेगा, 5 मार्क्सिंग करेगा मैक्सिमम, तो 10 50 मार्क्स हो गए आपके। थोड़ा सा भी क्वेश्चन इधर उधर हुए, किसी क्वेश्चन पे मार्किंग नहीं पड़ी, तो यू आर इन द डेंजर। इसीलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, 100 में अगर आप 100 सोचे तो आपको 100 आने वाले भी नहीं है, 90 में नहीं आने वाले हैं, बट यू आर गोइंग टू पास द एग्जामिनेशन। हाँ भाई, सुभाष सर बोल रहे थे ना लास्ट टाइम पे कि क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है, जितना भी आता है तो लिखना है, कुछ छोड़ना नहीं है, वही ट्रिक फॉलो करनी है। और गुड लक सेशन जो हमारे होते हैं, और डेली जो मॉर्निंग में मोटिवेशंस भेजे जाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मोटिवेशन इज द बेस्ट, और सुभाष सर के जो मोटिवेशन और वो है, वो मतलब एग्जाम टाइम पे जो हम नर्वस होते हैं ना, वो नर्वसनेस पूरी क्लियर हो जाती है, और एक मतलब फ्रेशनेस आ जाता है कि नहीं हम कर देंगे अब तो। और वो मैंने लास्ट टाइम में जो एग्जाम के मेरे को भी ये था कि मैं कर पाऊंगा, पर जब जो मोटिवेशन उनकी बातें सुनते थे, मतलब वो करते हैं, वो बोलते हैं नहीं ऐसा सोचना ही नहीं है कि हम करें, हम कर ही लेंगे, वो सबसे ज्यादा बढ़िया एक स्टेटस मैंने भी पकड़ लिया था लास्ट टाइम पे, नहीं मैं करके ही छोड़ूंगा इसको, मोटिवेशन इज द बेस्ट, तो एग्री, मिलती है सफलता 3 इसमें। पूरे 100% मिलती है। थैंक ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर यू योर मैम, नाइस इंटरव्यू, और हम कोशिश करेंगे कि आप आगे आने वाले कोर्सेज, जैसे PSA में IDF है, उसमें भी आप इनरोल कराएं, और जो निबोस IGC की सर्टिफिकेशन आपको मिलने वाली है, वो आप अप्लाई करें और अच्छी कैरियर में एक अपॉर्चुनिटीज को हासिल करें, और एक अच्छे लेवल पे आप पहुंचे। तो आप बी कनेक्टेड इन द 3 इयर्स लाइफ सेफ अकेडमी, और बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर कैरियर। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रियस एम्पावरिंग, प्रियस सेफ्टी, प्रियस एक्सीलेंसी, प्रियस एम्पावरिंग, प्रियस सेफ्टी, प्रियस एक्सीलेंसी।